अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। एक कहानी नई भी पुरानी भी, एक कहानी नई भी पुरानी भी है। चाहता क्या है वो, साफ साफ बात करो उससे, वरना उसे यहां ले आओ, मैं खुद बात करूंगा, फिर देखता हूं कैसे हाथ नहीं हटाता केस से। मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी होती है वो जगह, आई मीन वो मकान देखने की जहां आप रहते हैं। जरूर, जब आपका दिल करे। ठीक है सर, फिर किसी दिन प्लान करते हैं। किसी दिन क्यों, आप आज भी चल सकते हैं। आज तो समझो ना इस बात को बाबा, तो क्या इस डर से हम उनके किए गए सारे मजालिम भूल जाए। अरे मैं इस वक्त कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम रफी चाचा। रफी चाचा आज मेरे साथ गेस्ट होंगे, खाने वगैरह का इंतजाम देख लीजिएगा। ओके। दीन मम्मा, मैं और बिना दरवाजा खोलो। अरे दीन, कब से बाहर खड़ी थी, क्या सो रहे थे जो इतनी देर लगाई दरवाजा खोलने में? तू इस वक्त? अरे भाई अंदर तो आने दो कि दरवाजे पर ही तफसील लोगे। हाँ हाँ अंदर है, अंदर। बैठे। मेरा जवान बच्चा तो हमारा तो घर ही उजड़ गया। अरे पूरा घर उजाड़ दिया है जालिमों ने, बेड़ा गर्क हो इनका। साला, वो मेरा भाई भी तो था। अच्छा रुबीने, ये बताओ क्या अकेली आई हो इस वक्त? नहीं, बेटे के साथ आई हूँ। अरे उसे कोई काम था तो मुझे गेट पर ही छोड़ के चला गया। क्या दीन मोहम्मद, इतना बड़ा हादसा हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं है। अरे अल्लाह भला करे हर दिन भाई का, जिसने टीवी पे खबरें देखी और मुझे बताया नहीं तो। अरे बहन, वो सो तो होश ही नहीं था मैं। अरे ऐसी क्या बात है कि अपनों की याद भी ना आए, दुख सुख में अपने नहीं होंगे तो और कौन होगा। ठीक कह रही हो बहन। तो नूर बेटा, खाला के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त। खाना तो बहुत मजे का था, लेकिन इस ग्रीन टी का कोई जवाब नहीं। शुक्रिया बेटा। अभी तो आपने रफीक चाचा के हाथ का मटर पुलाव नहीं खाया, कमाल का बना तुम। ओहो, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो मैं स्पेशली आपके हाथ का पुलाव खाने आऊंगी। ठीक, जरूर जरूर आइएगा बेटा, जरूर। सर आप स्माइल करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे ही खुश रहा करें। अच्छा, खुश रहना आदमी के बस में होता है क्या? नहीं, गम तो हमारी जिंदगी में जंप मार के आ जाता है, लेकिन इंसान को अपनी खुशियां खुद ही तलाश करनी चाहिए, चाहे वो छोटी सी खुशी क्यों ना हो। हाँ आप ठीक कह रही हैं, लेकिन
मुझ जैसा इंसान जिसे आदत हो चुकी है अकेले और उदास रहने की, उसके लिए खुशी तलाश करना जरा मुश्किल हो जाता। सर कोई मुश्किल नहीं है, अब मैं हूं आपके साथ। अब आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी खुद को अकेला या उदास फील करने की। हाँ लेट्स सी पिजन, मेरे पास सिर्फ मेरी माँ की ये तस्वीर और यादें हैं। मेरे पास तो ना मेरी माँ की कोई याद है ना कोई तस्वीर। मैं बहुत छोटी थी जब उनका कत्ल हो गया। जी हाँ, आपने बताया था मुझे, लेकिन हुआ क्या था? मैं 6 महीने की थी जब उस वक्त। एक सेकंड। जी मैं मुझसे, आप बोलिए। क्या? देखिए उसकी कवरेज बिल्कुल ठीक तरीके से करें। कोई नाराज होता है तो होए, मैं संभाल लूंगा, आप घबराएं नहीं। ओके ओ जी, आप कुछ बता रही? मैं तो बताती हूँ, लेकिन आपने नहीं बताया कि आपकी मामा की डेथ कैसे हुई थी। उनका भी एक तरह से कत्ल हुआ था। अच्छा, वो कैसे? उन्हें मेरे बाप ने ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया जहां पर उन्हें खुद की जान लेने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। ओह, खुदकुशी? तुम्हारी तो बचपन में सिर्फ वालदा बिछड़ गई थी ना, मगर मैं वो बदनसीब हूं जिसके बचपन में माँ और बाप दोनों बिछड़ गए। I'm so sorry. आप इतने अरसे बाद खुश हुए थे और मैंने पुरानी बातें याद दिला के फिर से रंगीन कर दिया। अच्छा छोड़े, हम कोई और बात करते हैं। जी तो पसंद आया आपको खाना? जी बहुत अच्छा था। और बताइए? और सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करके। नो नो, थैंक्स टू यू कि आप आई। कभी कभी ये घर मुझे काटने को दौड़ता है और ख्वाहिश होती है कि कोई हो जिससे कुछ बातचीत की जाए, अपनी तन्हाई शेयर कर सकूं। I can understand sir, कभी कभी इंसान का ऐसा फील होता है। लेकिन अगर आपको आज के बाद कभी भी ऐसा फील हो, या तो आप मुझे बुला लीजिएगा या मेरे घर आ जाइएगा। ठीक है, आइएगा जरूर, आपको दादू और बाबा से मिलके बहुत अच्छा लगेगा। बस बस क्या? बस थोड़ा सा खड़ूस पर ऑफिस छोड़ के आइएगा। चले चल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है दादू, मेरी प्यारी दादू? टाइम देख रही हूँ, आज फिर तुम भी ऑफिस से आते हुए देर करते हो। दादू ऑफिस में बहुत सारा काम था। ऐसा क्या काम शुरू हो गया है बेटा जब तुम्हें रोज इतनी देर हो जाती है? दादू आते साथ ही सवाल पे सवाल, आप मुझे ये बताइए कि आपका सास बहू का सीरियल कैसा चल रहा है? सीरियल को छोड़ो, जाके खाना खाओ। वो तो मैं खाकर आई हूँ। खा के आई हो? कहाँ से?
वो दादू मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही थी तो मैंने ना ऑफिस में ऑर्डर करके खा लिया था। अच्छा दादू मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, क्या मैं अपने रूम में जाके सो जाऊं? ओके दादू। क्या खबर है बाहर की? मत पूछिए आलम साहब, उस लड़की को तो पर लग गए, मीडिया के सामने मुंह खोलना भी आ गया, आपने और ढील दे दी है उनको। आप हुक्म करें तो कुछ खाते तवाजो कर ले उन बाप बेटी की। सरकार एसएचओ साहब ठीक कह रहे हैं, एरिंग की डेट सर पे आ खड़ी है, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करें। आलम साहब जितनी जल्दी हो सके इस लड़की के किस्से को निपटा दें। बस बच्चा नहीं हूं मैं, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, सब ठीक हो जाता, कोर्ट कचहरी तक बात ही ना जाती अगर ये मीडिया इस इश्यू को इतना हाईलाइट ना करता। Excuse me, ये गाड़ी आपकी है? नहीं, मेरे बाप की है। What nonsense! गाड़ी हटाइए, इतनी देर हो रही है मुझे, निकलना। तो आपको रोका किसने है? जाइए ना। I know that, मगर उस डेस्क पर। सर मुझे लगता है कि मैं इस जॉब के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हूँ। मतलब? सर मैंने कितना कहा कि मुझे सहाफी नहीं बनना, मुझे सहाफत में ना डाले, लेकिन अब्बा उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। सर मैं सहाफी बनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ, मैं बहुत इरेस्पॉन्सिबल, बहुत इनएफिशिएंट हूँ। सर मैं आपको कब से यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी कि मुझसे बहुत गलतियां होती हैं। आई एम नॉट सूटेबल फॉर दिस जॉब सर, प्लीज मुझे इस नौकरी से निकाल दे। यार मुझे ना बहुत गिल्टी फील हो रहा है दादी से झूठ बोलकर। तो क्यों बोला झूठ? तो क्या करती, उन्हें सच बता देती। आज पहली बार मैं दादी से नजरें नहीं मिला पा रही थी और उनके सवालों का मेरे पास झूठ के अलावा कोई जवाब भी नहीं था। वैसे तुमने भी हद ही कर दी, उनके घर ही चली गई। यार मैं बस उनके साथ कुछ टाइम गुजारना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी कि वो कहाँ रहते हैं, कैसी जगह है, ये सब चीजें। हाँ लेकिन फिर भी तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। मैं तो कहूंगी कि तुम इतनी आगे मत जाओ कि वापसी का कोई रास्ता ही ना हो। कैसी वापसी, लौटना किसे है? और अगर दादू और अंकल नहीं माने तो फिर? ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, मैं मना लूंगी दादू को भी और बाबा को भी। तुम पर तो इश्क का भूत सवार है, तो तुम्हें समझाना बिल्कुल ही फिजूल है। अच्छा ये बताओ उन्होंने कुछ कहा तुमसे? कहा भी और शायद नहीं भी। देखो मुझे तुम्हारी फिलॉसफी समझ नहीं आ रही, सीधा सीधा बताओ कि उन्होंने क्या कहा तुमसे, वो तुम्हें चाहते हैं या नहीं? नहीं यार तुम्हें पता तो है उनके नेचर का।
अगर उन्होंने ऐसा कुछ फील किया भी ना तब भी नहीं बताएंगे। तो तुम बोल देती। मैं? मुझे अभी भी उनसे बहुत डर लगता है। अगर गुस्से में उन्होंने मुझे कुछ कह दिया तो ना वो तुमसे कुछ कहेंगे और ना तुम उनसे कुछ कहोगी, तो बीबी ये किस्सा आगे बढ़ेगा कैसे? आई डोंट नो, लेकिन जब मैं उन्हें देखती हूँ, जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ, तो मेरे दिल में बटरफ्लाई उड़ने लग जाती है। मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती कि ये एहसास कितना खास है और अलग भी। तुम तो पागल हो गई हो। तो मुझे नींद आ रही है, कल बात करते हैं। बाय बाय। तो बात तो सुन ले। डॉक्टर साहब, कोई खतरे वाली बात तो नहीं? नहीं, कोई घबराने की बात तो नहीं है, लेकिन सरदार साहब को अपना ख्याल रखना होगा। इनका बीपी हायर साइड पर है। बोल डॉक्टर, ब्लड प्रेशर का और मेरा बहुत पुराना साथ है, कभी हाई हो जाता है कभी लो हो जाता है। जी, लेकिन इस एज में बीपी का हाई और लो होना खतरनाक हो सकता है, आपको ख्याल रखना होगा। बस डॉक्टर साहब, सरदार साहब आलम बाबा की वजह से ज्यादा टेंशन में आए। मत ले टेंशन सरदार साहब, मैं तो कहता हूँ आप कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाए। मैंने प्रिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल लिख दी है कि दवा कब और कैसे लेनी है। अगर कोई मसला हो फिर आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। जी बेहतर। ठीक है सरदार साहब। लवर छोड़ के आओ। सरदार, SHO से बात हो गई है, आलम खान को थाने में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? जी सरदार, मैंने खर्ची लगवा दी है और आलम बाबा को थाने में एक अलग कमरा दिया गया है, खाना भी घर से जाता है। ठीक है, अब बेफिक्र हो जाओ, SHO अपना बंदा, वो ठीक है, अब आराम कीजिए। अरे दीन मामन, मैंने सुना है कि तू सरदार के खिलाफ कोर्ट चला गया था। अरे वो सब कुछ तू भूल गया है, जमाल का क्या हशर किया था? सरदार के फैसला ना मानने पर असद की बीवी और दोनों बच्चों को कुएं में फेंक दिया था। याद है मुझे, सब याद है, कुछ नहीं भूला मैं। मगर रुबीना भाई, मैं क्या करूं? मैं अपने बेटे की कब्र पे जाता हूं तो मेरा दिल घुट के आंसू होता है। तो
और जब मैं वापस अपने घर में आता हूँ तो ये साथी घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। अरे मेरी जिंदगी पर कसर आया था मेरा बच्चा, अब उसका खून क्या मैं बख दूं? अरे दीन मोहम्मद होश काट, उसने जाना था वो चला गया, इतनी ही जिंदगी लिखवा के आया। नहीं, अगर ऐसा होता तो कत्ल की सजा सदाए मौत नहीं होती। अपनी बेटी के बारे में सोचो, कल कला को उसकी शादी का मामला होगा तो कबीले वालों में से कौन शादी करेगा उससे? मुझे कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। देख दीन मोहम्मद, सरदार से तुम्हें लड़ाई बहुत महंगी पड़ेगी, बाकी तेरी मर्जी।